तो हेलो इंडिया जी, की हाल चाल कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, तुसी बढ़िया होंगे। एंड भाई, ऐसा लग रहा है कि सर्दी आ चुकी है, लग नहीं रहा सच में आ चुकी है। पहले आप मौसम की कंडीशन देखो, कल ना पूरा दिन धुंध रही और आज भी चेकआउट करो, आज भी धुंध पड़ने वाली है। दिख रहा है ना कैमरे में, ऐसा लग रहा है अंधेरा हो चुका है सच में यार। सूर्य देवता को देखो सामने निकले हुए हैं ना, ऐसा लग रहा है कोई लाइट जलाई हुई है। ये सारा मौसम ना, जितना भी फोगी हो रखा है ना, ये सारा साफ पता कब होना है? जब बारिश होगी ना, और जैसे ही बारिश होगी ना भाई, उस टाइम ना जैकेट निकालनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पता किससे होने वाली है? हमारे गौशाला को, मवेशियों को, क्योंकि उनके लिए ना इस बार ना कोई भी हट नहीं बनाई है कूली टाइप, क्योंकि पहले तो हमने अंदर बांधे हुए थे, अभी प्लस्तर हो चुका है, काम लगा हुआ है। तो अभी मतलब उनके लिए ना वो जो घर बनाना है ना, छोटा सा कूली टाइप, उसका काम शुरू करना पड़ेगा। दरअसल आज हमारे खेती बाड़ी वाले काम ना सारे ख़त्म हो जाने हैं। आपको पता है ना, मोटर वाले खेत में धान है और आज उसकी पराली भी निकल चुकी है, आज उसे मशीन से साफ़ करके व्यापारी लेके भी चले जाएंगे। मतलब आज काम ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम जो बचे हुए पेंडिंग काम है ना वो कर सकते हैं, जैसे गेहूँ लगानी है, गाय के लिए हट बनानी है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम है जो विंटर आने से पहले पहले करने हैं। और सुबह सुबह ऐसे सर्दी वाला मौसम हो रखा है, तो ठीक है मेरे दोस्त, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। और आज शायद मिस्त्री लोग भी आ जाएं, तीन दिन हो चुका है, चौथा दिन है, संडे है ना, चौथा दिन है। बुधवार गए थे शायद, बृहस्पतिवार गए थे ना, आज चौथा दिन है, तीन दिन छुट्टियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं उनकी। तो ठीक है मेरे दोस्त, आज का दिन शुरू करते, लेकिन कान्हा जी का नाम भाई सर्दी लग रही है, जाओ कान्हा जी की। इनको शायद ऐसा मौसम है, सुबह सुबह सर्दी वाला मौसम हो चुका है। जब गर्मी आती है ना, उस टाइम हम सोचते हैं कि काश यार सर्दी आ जाए। अभी सर्दी आ रही है ना, अभी जैकेट निकालने पड़ेगी, और कोई ऑप्शन तो है नहीं है। और आज संडे, अंशु को भी छुट्टी है। पहले काम सुबह सुबह उठने से पहले डिवाइड कर दिया घर वालों ने, जैसे अंशु अभी मामा जी को नीचे वाले खेत में लेके जाएगा, क्योंकि मामा जी खुद बाइक नहीं चलाते हैं ना। और मैं और लक्की जे वाले धान के दाने मशीन पर लेके जाएंगे, पिछले तीन दिनों से लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम तो लेके चले जाते हैं, बट जो ऑटो वाला है ना वो फ्री नहीं हो रहा, आज वो फ्री है, अभी से लेके जाते हैं। और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम है, वो सारा आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। आखिरकार मेरे दोस्त, तीन दिन की छुट्टी मारने के बाद ना, अरे रुको यार, सभी को पानी शानी घास डालता हूँ भाई। गाय और बछियों को ना सुबह सुबह बांध के आ चुका हूँ खेतों वाली साइड, क्योंकि मामी जी ने सुबह बोला था कि आज भी उन्हें बांध के आना है, क्योंकि कल उन्हें बांधने गया था ना मैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा दूध दिया, मतलब ज़्यादा दिया। और फाइनली तीन दिन की छुट्टी मारने के बाद अपने मजदूर भाई साहब वापिस आ चुके हैं। ओ भाई, राजू भाई भी आ रखे हैं, राधे राधे जी। 10 रुपये पहले काम करना पड़ेगा, फिर मिलेंगे। पहले काम कर यार, पहले घर में ले यार, ऊपर आ पैर मशू भाई, लुकाऊ का ना बच्चा हैं, ये कैमरे के सामने गले मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। और नए कपड़े पहने हुए हैं, कहाँ से लिए? ले रहा है, पहले कुदरा लेने हैं कपड़े घरों से, पहले भी घर पे लटक है, जो है नहीं है, और प्रवास सवेरे सवेरे नहीं मारनी है, बाद में देता राजू, पहले काम कर, ठीक है? पहले चाय शाय तो पी, ओ मिस्त्री लेता, अच्छा मिस्त्री से पैसे वाली है, वो देख दे रहा है भाई सच्ची, पहले चाय तो पी, ये किसने पी, बोतलों के दरमियान इसका पूरा ध्यान रहता है कि दारू किसने पी है किसने नहीं पिया है, दारू वाली थोड़ी ना है, तू तो पोल खोल रहा है हमारे घर की भाई, दारू वाली नहीं है। राजू चाय तो पी जाके। तो फाइनली भाई, चार दिन छुट्टी मारने, तीन दिन छुट्टी मारने के बाद अपने भाई लोग वापिस आ चुके हैं। एक बात है, इसका क्या लाएगा? पहला बंदा है जो सामने बोल देता है कि क्या लेना है ना, झूठ नहीं बोलता। और भाई लोग, सर्दी आ चुकी है ना, दिन की शुरुआत ना चाय के साथ ही होनी चाहिए, जो कि आ भी चुकी है। और आपको पता है ना, मिस्त्री भाई साहब की साली जी की शादी थी, वो ना अपने साथ काफ़ी शक्करवारे भी लेके आए हैं, ये तो इनका खाना है भाई। शक्करवारे कहाँ पे रखे हैं, घर लेके जाना है क्या वापिस? शक्करवारे जो मिठाई बनती है ना शादी में, वो लेके आया है। और वो देखो, सर्दी का असर ना आपको इस छोटू बालक पे दिख रहा होगा, आज वो जैकेट पहन के आया हुआ है। और सर्दी लग रही है नहीं लग रही? आज नहाया हुआ है काफ़ी दिन के बाद। भैया आपने छठ पूजा मनाई? अब नहीं मनाते? अब झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ में नहीं मनाते?
हाँ जी लेके जाएगा चाय। अरे नहीं नहीं इधर ही खाने हैं यार, अगर शाम को बचेंगे ना फिर लेके चला जाऊंगा। तो अच्छा भाई मैं उन्हें पूछ रहा था कि छठ पूजा मनाई, वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ से है, पता नहीं उधर मनाते या नहीं। मड़ भैया आपने मनाई? नहीं यार। होगी शादी अच्छी तरह? अभी कहाँ, आज फिर से जा रहा है शाम को, डिनर का लड़के वाले। अच्छा अच्छा सही है सही है। तो भाई माड़ू भैया मिस्त्री भाई साहब काफ़ी कुछ लेके आए हैं, क्योंकि उन्हें बोला गया था ना कि शक्करवारे लेके आना है, और इसे बोलते हैं भाई शक्करवारे। ये पंजाबी स्टाइल में बनते हैं वैसे तो, आपको पता है हमारा भी पंजाबियों जैसा ही है भाई। अगर मैं अकेला रहता हूँ ना इस वाली साइड, तो भाई काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जैसे आपको पता है मामा जी चले गए नीचे वाले खेत में, अंशु चला गया उन्हें रोटी लेके सेकंड टाइम, पहले छोड़ने के लिए गया फिर उन्हें रोटी लेके गया हुआ है। और मैं गाय और बच्चिया को नीचे वाली साइड बांधने गया, उन्हें पानी शानी भी पिलाया और बकरियों को पत्ते शत्ते भी डाले। इवन की कितनी बकरियाँ मामा जी ने इकट्ठी करी हुई है ना, मतलब इनके काम ही नहीं खत्म होते यार। हाँ जी राधे राधे जी। तो ये धक्के क्यों लग रहे हैं, दारू भी हुई है? लत तो बाद में मानी है, तूने पुली तोड़ देनी है मेरी। दारू भी हुई है? हाँ। कितने पैक मारे हैं? लत कैसे मारनी, कैसे मारनी है, मार दे। ले किसी किसी दिन ना इसने जहाँ तो अपनी टांग तोड़ देनी है, लात तोड़ देनी है। और बस राजू तार नहीं, एक मिनट छोड़ छोड़ से क्या टाइम आ चुका है, बड़क मार दे, बड़क मार दे, बड़क। गाना कौन सा चलू? ओ भाई लत नहीं मारनी है राजू को ना, एक ही क्वेश्चन सताता रहता है कि जब इसके, सुन तो सही, सुन सुन, जब इसके लिए लड़की देख, मतलब बंदा आया हुआ है बाल काटने वाला, वो सामने देख कमल भैया आया हुआ है, चल बाल कटवाते हैं। कहां? ओ पर बिक्की भाई के बच्चों की बाल काट रहा है वो। हाँ? जा तो सही, दाढ़ी दाढ़ी भी कटवानी है, तेरे बाल भी इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, टकला हो जाना है, चल। कहां? वो सामने देख अमरूद के नीचे, चल दोनों चलते हैं, ठीक है, गले मिल पहले यार। भाई एक ही क्वेश्चन पूछता है कि मतलब इसकी शादी होनी, आप पूछ, एक तो मैं पूछने नहीं आ रहा राजू पूछता है कि जब मेरी शादी होगी तो लड़के लड़की वाले क्या पूछेंगे, लड़का क्या करता है, फिर खुद ही जवाब देता है कि ओ लात मत मार उसे, मैं मारना है तेरे को, फिर खुद ही जवाब देता है कि गुटके खाता हूँ मैं, मतलब अपने हिस्से का पूछता है। राजू कुड़ियां क्या पूछना, मुड़ा क्या करता, क्या करता, चुटकियाँ खाता। हाँ चलो फिर बाल कटाएं, चल फिर हाँ ठीक है, चल चलो तू कटवा के आ। राधे राधे जी। भाई ये ना दारू पी के आया, बच्चिया को लात मारे जा रहा है, तो मैंने इसे मारना है पकड़ के, और सामने ऊपर जाओ ऊपर। वैसे तो मेरे दोस्त आजकल ना हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, सुई से लेके जहाज तक शायद आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, अमेजोन और भी काफी सारी वेबसाइट है, अलीबाबा हो गया। पर यार ये वाला काम ना मेरे को पहली बार पता चला कि हेयर कटिंग भी आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हो, इवन कि शहरों में होगी बट गांव में ना बहुत बड़ी बात है। और मुझे बता आप सोच रहे होंगे अंकुश भाई तूने तो 4 दिन पहले कटिंग करवाई है, फिर से क्यों करवा रहा है? दरअसल आप नहीं सोच रहे, मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल पता क्या है, जो मैंने कट यहाँ पर लगाया हुआ है ना छपरियों वाला खुद की बेइज्जती कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, मतलब अच्छा लगता है ना फेस पे वो वाला कट, तो भाई वो ना थोड़ी नीचे वाली साइड लगा हुआ है एंड इतना ना विजिबल नहीं हो रहा अभी। तो फिर भाई जी बाल काटने के लिए आए हुए थे बच्चों के गांव में, क्योंकि आज संडे है ना तो बच्चे के नहीं जाते रोड वाली साइड, तो भाई जी वैसे भी होम डिलीवरी घर पे बाल काट देते हैं, तो मैंने बोला मेरा भी कट कर दो फिर हेयर कट, तो वही कट चल रहा है भाई अभी। भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपके मामा जी को ना कम से कम 10-12 दिन की बेड रेस्ट लेनी चाहिए, बट रियलिटी बताओ ना जिस दिन लगी थी ना उस दिन तो मामा जी काफ़ी मतलब उनकी फेशियल इंप्रेशन से पता चल रहा था कि उन्हें दर्द हो रहा है, बट जैसे इंजेक्शन लिया ना दूसरे दिन सुबह 4-5 बजे उठ के ना मामा जी घूम रहे थे, और सुबह से मामा जी नीचे वाले खेत में गए हुए हैं, अभी खुद ना बाइक लेके नहीं जाते, जैसे सुबह अंशु छोड़ने के लिए गया, अभी मैं जाऊँगा ले भी आऊँगा उन्हें साथ में, क्योंकि आज जो मशीन आने वाली थी ना दान साफ करने वाली वो आई नहीं है, तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ मामा जी के लिए चाय लेके, क्योंकि सुबह से वहाँ पे है ना, और आपको पता है उन्हें चाय ना उनकी चाय फेवरेट है। पतीला अच्छा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अभी पता है पुराना घर है पुरानी चीज़ें ऐसे है ना, पतीले शिले चलते हैं। कितने लोगों की चाय है? तो फिर गिलास लेके नहीं जाना साथ में? अच्छा गिलास लेके भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पियेंगे मामा जी,
चलो भाई चलते हैं, दिखाता हूँ आपको नीचे वाले खेत में कितना काम हो चुका है और वहाँ पे ना चोरी भी हो जाती है, वो मैं सारा आपको वही जाके बताता हूँ। फिलहाल इन्हें चाय पिला लेता हूँ जो अपने भाई बंधु यहाँ पे लगे हुए हैं, फिर मामा जी के लिए लेके जाते हैं। पैक कर लिया मैंने, मेरा कहने का मतलब ये था कि मामा जी ने एक दिन भी बेड रेस्ट नहीं लिया यार। पत्ते छत्ते तो चलो आज लक्की लेके आया, कल मैं लेके आया था, आसपास से ले आते हैं। और कल अपना सारा, रोज़ बोलता हूँ सारा काम ख़त्म हो जाना है, पर काम ख़त्म नहीं होना है, बोले नीचे वाले खेत से छुटकारा मिल जाना है, क्योंकि काफ़ी दूर है ना, और बार बार फिर एक बंदा चाहिए छोड़ने के लिए, एक बंदा चाहिए वापस लाने के लिए। लो भाई चाय आ गई, मैं ऊपर ही लेके आ गया। पहुंच गया अपने नीचे वाले खेत में। मुझे ना मोटर पहले दिखानी पड़ती है कि हमारी मोटर है भाई, और सामने दिख रहा है ना पराली शाली साफ कर दिया है, और जो चलो बाकी कहानी ना बाद में सुनाता हूँ। मामा यही बंदे जाने वाले हैं हमारे भी, वो तो अभी साफ कर रहे हैं ना, थोड़ी बांधी हुई है। भाई दो चार दिन पहले जब मैं आया था ना यहाँ पे धान सारा खड़ा था, दो दिन में सारा धान खत्म हो चुका है, बस ये पीछे वाला छोटा सा खेत बचा हुआ है किसी का। इस साइड ना मतलब डिमांड ही बहुत ज़्यादा है ट्रैक्टर की, और सामने ट्रैक्टर लगा हुआ है ना, इवन कि मामा जी सुबह से वेट कर रहे हैं कि कोई ट्रैक्टर मिल जाए, और कोई ट्रैक्टर है नहीं है फ्री, सारे पहले से लगे हुए हैं। अभी ये फ्री होके शायद ये वाला आने वाला है, एक ऊपर भी है, वो सामने वाला ऊपर वाला, अच्छा वो वाला ट्रैक्टर है, वो वाला आने वाला है भाई। अच्छा एक कल खड़ी थी ना, ये परसों है ना, बड़ी हाल में बड़ी। तो मामा उन्होंने सवेरे आना या अभी आना है? उन्हें बोले सवेरे ही करो, फिर चोरी हो सकती है ना, अगर टेरी कर दी ना मैं सोना आज भाई। यहाँ पे ना चोरी का बड़ा खतरा है, मतलब फिर बाद में किसे बोलना है कि नशे वाले लेके चले गए या लोकल लोग चले गए, इससे पहले आगे खुद ही सावधानी रखी जाए। और मामा जी शाम को आने वाले हैं सोने के लिए, आज ही का दिन है, कल तो मामा साफ होके बिक भी जाएगी ना। मैं इधर लोकल व्यापारी है, पहले रेट पता कर लियो ना कितना रेट चल रहा है। इधर ये है कि हमारा जो ऊपर वाली साइड रेट है ना, यहाँ पे वो रेट है ना 200 रुपया क्वांटल के पीछे ज़्यादा है। मामा क्या क्वांटल है, 11-21 क्या क्वांटल है यहाँ पे? 4100 4100 रुपया है, काफ़ी है यार 4100 रुपया, ऑलमोस्ट 4000 रुपया होगी भाई। और मामा ये मोटा वाला धान है उसका क्या प्राइस है? अच्छा 2200-2300 रुपया जो मोटे वाला धान है जो हमें डिपो से मिलता है ना उसका 2200-2300 रुपया है धान का, और जो हमारी 11-21 है बासमती टाइप प्रीमियम बासमती ये है 4000 रुपया क्वांटल, और यहाँ पे कम से कम 10-15 कितनी क्वांटल हो सकती है वहाँ? 15 क्वांटल हो सकती है। भाई रियलिटी में देखा जाए ना खेतों वाली साइड क्या मस्त वाली महफिल लगी हुई है, बब्बू मान के गाने चल रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। और भाई अपने दान ना मतलब कुछ पराली बिखरी हुई है ना, पर दिक्कत यह आएगी आज जितनी भी आसपास निकल रही है ना सारे अपने दान लेके चले जाएंगे, और मामा जी को यहाँ पे सोना पड़ेगा, अगर नहीं सोते हैं ना मतलब एक दिन तो सोना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने की मेहनत है, कोई भी आके दाने इकट्ठे करके लेके चला जाएगा और फिर हम किसे दोष देंगे, सही है ना। इससे पहले आगे एक रात सो लिया जाए, और अभी मैं घर जाऊंगा, अंशु आएगा मामा जी के लिए खाना लेके, प्लस जो कंबल चाहिए खाट यहाँ पे हमने पहले से रखी हुई है। और भाई मुझे लग रहा है इस बार दान ना थोड़े कम होने वाले हैं, क्योंकि एक तो भाई इस खेत में ना पानी अपने आप निकलता रहता है, और इस बार हमने डिसाइड करा है कि भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, और यहाँ पर ना 200-500-600 रुपये ना ट्राली मिट्टी मिल जाएगी,
और इस वाले खेत में ना कम से कम 20-25 ट्रालियां मिट्टी लगाने वाले हैं। यही से आसपास मिल जाएगी 500-600 रुपया ट्राली, 20 ट्राली आएगी ना और इसके बराबर का लेवल आ जाएगा, फिर पानी होगा ना नीचे वाली साइड निकल जाएगा। नहीं तो भाई इतना बड़ा खेत है, कम से कम 3 कनाल होगा ये, अब कनाल समझते हो ना, 2.5-3 कनाल होगा, सारा का सारा वेस्ट ही चला जाता है। मतलब जितने इन्वेस्ट करते हैं ना इसके ऊपर पैसे, उतने भी वापस नहीं देता, पर लगाना पड़ता है भाई। और वो ऊपर वाले खेत है ना, वो वाली मिट्टी निकाल के ना यहाँ पे लगाएंगे। पहले ये वाली ज़मीन ना थोड़ी ऊपर थी और सामने ईंट वाला बट्टा लगा हुआ है ना, उन्होंने सारी मिट्टी लेके चले गए, जिसकी वजह से ना ये वाला खेत ना थोड़ा नीचे चला गया। और भाई मतलब ज़्यादा सफाई भी नहीं करी है, क्योंकि ये खेत ना हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, 5-6 किलोमीटर, और इसका ध्यान थोड़ा ना कम रखा जाता है, तो इसलिए धान थोड़े कम है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली काम ना मतलब वाटर सिस्टम के ऊपर हुआ है, जिन्होंने काटी है ना उन्हें पराली मिलेगी, ये वाली पराली सारी उनकी, हमें जलानी भी नहीं पड़ेगी, हमारे धान उनकी पराली। खेतों वाली साइड घूमना ना किसी रिस्क से कम नहीं है। ये चेकआउट करो कितना बड़ा सांप है, इसका नाम मैं भूल गया जी, वही वाला जब हम धान लगा रहे थे ना अपने खेतों में उस टाइम निकला था। मतलब ये तो दूसरा वाला खेत है, और सोचो एक मतलब जिसने धान काटा होगा ना उसी को दिखाई दिया होगा, अभी तो फिलहाल मार दिया है, पर बोलते हैं ना सांप की मरी हुई मुंडी भी भाई काट सकती है। भाई अभी ना जैसे ही मामा जी को चाय दे के घर की ओर निकला हूँ ना, पोपड़ हो गया तगड़ा वाला, गाड़ी में ना तेल ही खत्म हो गया भाई। अभी जितने भी पैंथरे हैं ना सारे मैंने आजमा लिए, क्योंकि अर्श भाई के पास भी सेम बाइक है ना, मैंने सोचा क्या पता कई बार बाइकों में ना रिज़र्व कोटा होता है, बट इसमें रिज़र्व कोटा होता ही नहीं है। जैसे छोटी बाइक रहती है ना उसमें ना अगर हम फूक भी मारते हैं ना तब भी वो घर से ना पेट्रोल पंप तक पहुँच जाती है, बट इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई बिल्कुल भी। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखो दिख रहा है ना गोली चलने की आवाज़ आ रही है भाई। अभी ना कम से कम 0.5 किलोमीटर तो मैं धक्का लगा के लेके आ चुका हूँ, बट यहाँ से घर 5 किलोमीटर है अभी भी। अभी मैंने अंशु को कॉल करा है, तू ना पहले पेट्रोल पंप पे जा, वहाँ से तेल लेके आ। भाई एक गलत पंगा मोल ले लिया ना मैंने, अगर रास्ते में छोड़ता हूँ ना चोरी भी हो सकती है, अभी से घर लेकर जाना है, बट कोई नहीं अंशु आने वाला, 1.5 घंटे में पहुँच जाएगा। चलो भाई थोड़ा बहुत ना धक्का लगा के मैं लेके चलता हूँ ऊपर की ओर, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अभी ना बाइक की लाइट ऑन करके मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, कभी आपके साथ मिरेकल हुआ है? मेरे साथ हुआ यार, मतलब कैसे बताऊँ समझ नहीं आ रही। जैसे आपको बताया तेल खत्म हो गया, फिर मैं धक्का लगाते हुए आधा किलोमीटर नहीं 300 मीटर आया हूँगा, और माँ कसम आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ना राधे राधे बोल के चले जा रहा था, पीछे से एक भाई जी आए, उन्होंने पहले आवाज़ लगाई, मैंने सोचा ये भी भाई बोलेंगे कि क्या हुआ है, तो मैं चले जा रहा था, क्योंकि पहले मैं 3-4 लोगों को अपनी स्टोरी बता चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है, तेल खत्म हो चुका है जो कि ये स्टोरी थी। तो उन्होंने दूसरी बार आवाज़ लगाई, मैंने बोला तेल खत्म हो चुका है, उन्होंने बोला रुको रुको, उनकी स्कूटी अपनी स्कूटी में उन्होंने एक बॉटल रखी हुई थी, उन्होंने बोला मैं मतलब काफ़ी सारे लोगों का तेल खत्म हो जाता है, जब अपना खत्म हो जाना इसे एमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। अरे यार सच्ची मिरेकल हो गया, मैं तो राधे राधे बोल के चले जा रहा था माँ कसम, क्योंकि अंशु भी पहुँच चुका है ना अभी बॉटल लेके। सही है यार, अंशु को बोल देता हूँ कि बॉटल उन्हें दे दें, नहीं तो ये अपने ऊपर ना एहसान रहेगा। सही है, तो मैंने सही करा, ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ, अंशु पीछे बगल में है, क्योंकि रोड ना एक दूसरी वाली साइड से भी आता है। माँ कसम आज इत्तफाक ही हो गया अपने साथ, राधे राधे जी। ओ भाई सही बोला, राधे राधे बोला करो, सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे से ना रहा नहीं गया, मैंने सोचा बाद में बताऊंगा ना, उस वाले बाप से नहीं बता पाऊंगा, तो मैंने स्पेशल गाड़ी रोकी, लाइट ऑन करी, तो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कुछ ऐसा हुआ। सच्ची यार फैन हो गया मैं, राधे राधे जी। चलता हूँ अभी मैं ना बोतल उन्हें वापस दे के आता हूँ, क्योंकि अंशु बोतल भर के लेके आया होगा, अभी वापस चलते हैं उन्हें वापस देने के लिए। सही है ना, नहीं तो मेरे ऊपर ना उधार रहेगा ये।